नमस्कार दोस्तों, मैं अबीर गुजर संज्ञान प्रतियोगी संस्थान मन्नी कपड़ा अलवर से। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल हरवीर गुजर डेडिकर पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 21 फरवरी के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, पहले हम सभी छोटी खबरों को देखेंगे, उसके बाद बड़ी खबरों पर बात करेंगे। तो देखिए, देश का सबसे बड़ा सिलोस यानी स्टील स्टोर हाउस, ये कहाँ पर है? मोगा पंजाब में। और यहाँ पर हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं राव साहब पाटिल, वो गए हुए हैं। तो आपको केंद्रीय मंत्री भी याद रखना है, राव साहब पाटिल। और बात कर ये भी ध्यान रखना है कि जो सिलोस है, स्टील स्टोर हाउस, ये भी भाई मोगा पंजाब के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप की बात करते हैं। तो इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया जा रहा है, और इसमें जो हमारे रेसलर हैं सुनील कुमार, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 3 कांस्य पदक और जीते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम G20, जो G20 देश हैं, G20 जो समूह में सारे देश हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो मूडीज के अनुसार 2.4% रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सुप्रसिद्ध गिटारिस्ट सोनम शेरपा का निधन हो गया है। तो सोनम से आपसे पूछा जाएगा कि भई हाल ही में सोनम शेरपा का निधन हुआ, वो क्या थे? तो सुप्रसिद्ध गिटारिस्ट थे। इसके बाद हम बात करते हैं फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो दिल्ली में है, उसका नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम किया जा रहा है, मतलब कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट बात करते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ, जो ट्रस्ट बनाया है राम मंदिर के जो कंस्ट्रक्शन को लेकर, उसके निर्माण को लेकर ट्रस्ट बनाया गया है, उसका नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ। तो देखिए, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं और महासचिव बनाए गए हैं। तो चेयरमैन तो नित्या गोपाल दास को बनाया गया है और महासचिव चंपत लाल को बनाया गया है। तो इतना ही ध्यान रखना है आपको। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हर्ष कुमार बनवाला हैं, और अभी जो नए बनेंगे उनका क्या नाम है? उनका नाम है जी आर चिंतला नए बनेंगे नाबार्ड के। नाबार्ड क्या है दोस्तों? तो देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम 22वें विधि आयोग का, यानी जो 22वां लॉ कमीशन है उसका गठन किया गया है। वैसे 2018 में ही समाप्त हो गया था 21वां विधि आयोग, तो जो अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया, और 22वां विधि आयोग का गठन हुआ है अभी 2020 में। और बात करते हैं हम जो 21वां विधि आयोग था, उसके अध्यक्ष B.S. चौहान थे, बलवीर सिंह चौहान। और भाई, अब बात करते हैं अपन जो विधि आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो विधि आयोग में कुल सदस्य होते हैं 10 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक तो अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, और 3 सदस्य पूर्णकालिक होते हैं। जो सचिव होता है भी पूर्णकालिक होता है, 2 पदेन सदस्य होते हैं और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो टोटल 10 सदस्य होते हैं विधि आयोग में। इसके बाद हम बात करते हैं, भारत में विधि आयोग की सबसे पहला विधि आयोग बना था 1834 में। 1834 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर थे, उस समय विधि आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में बना था, और M.C. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो M.C. सीतलवाड़ थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विरासत एक खालसा संग्रहालय पंजाब में है, जिसको एशिया रिकॉर्ड ऑफ बुक में मतलब शामिल किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, विरासत एक खालसा संग्रहालय। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत है जो 2022 का महिला एशियन
फुटबॉल कप का आयोजन करेगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि एक तो भारत में जो एशियन महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, एशिया फुटबॉल कप होगा, उसका भी मतलब आयोजन होगा भारत में। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो अंडर 17 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका आयोजन भी भारत में ही किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बात, बांग्लादेश नेपाल मुक्त व्यापार समझौता, जो बांग्लादेश और नेपाल है उनका मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिसके तहत उनका क्या है कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उस पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, शुल्क नहीं लगाया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के जो पीएम है वो शेख हसीना है। यहाँ की कैपिटल की बात करते हैं, राजधानी यहाँ की तो आप सभी जानते हो ढाका है। और ढाका के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ढाका में बिम्सटेक का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट हम जैसे नेपाल की बात करते हैं तो, और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जैसे नेपाल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के जो पीएम है वो केपी शर्मा ओली हैं, और यहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल की कैपिटल आप जानते ही हो काठमांडू। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सार्क जो देश हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, सार्क का हेडक्वार्टर भी नेपाल के अंदर है, और यहाँ का जो यहाँ की जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है, तो इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूएई ने पहला परमाणु संयंत्र की स्थापना की है यूएई ने, जिसका नाम है बराक परमाणु संयंत्र। और आपको यूएई के बारे में जानना है तो यहाँ के जो किंग है वो है मोहम्मद बिन जायद हैं, और मोदी जी को जायद मेडल, जो यूएई का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जायद मेडल, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है, तो वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं तो यूएई के जो यहाँ की मुद्रा है वो है यहाँ की दिरहम है, और यहाँ की कैपिटल है, यूएई की कैपिटल वो अबू धाबी है, तो यूएई के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं एआईएफएफ को एएफसी की ग्रास रूट चार्टर की कांस्य सदस्यता मिली है, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसे एएफसी, एशियन फुटबॉल कॉरपोरेशन की जो ग्रास रूट चार्टर है उसकी कांस्य सदस्यता मिली है। ये तीन सदस्यताएं होती हैं, एक तो गोल्ड होती है, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज सदस्यता मिली है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद आपको जैसे इसके बारे में पता होना चाहिए एआईएफएफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो इसका गठन हुआ था 23 जून 1937 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अभी जो हेड हैं वो प्रफुल्ल पटेल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं की बात करते हैं, तो इसमें पहले नंबर पर इंग्लिश है और दूसरे नंबर पर मंडारिन। जो मंडारिन कहाँ की भाषा है, ये चीन की भाषा है मंडारिन, जो विश्व में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। और तीसरे नंबर पर हिंदी, हिंदी को पूरे वर्ल्ड में लगभग 61.5 करोड़ 61.5 करोड़ लोग बोलते हैं। इसके बाद फिर स्पेनिश है, फ्रेंच है, अरबी है, बंगाली, बंगाली 7वें नंबर पर है। और भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं की बात करते हैं हम, तो सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है भारत में, लगभग 53 करोड़, वैसे 52.83 करोड़ है, लेकिन लगभग 53 करोड़ कह सकते हैं हम। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत में बंगाली बोली जाती है 9.7 करोड़, लगभग 10.25 करोड़ के आसपास। इसके बाद तीसरे नंबर पर मराठी बोली जाती है, और वर्ल्ड में भारत में मराठी 8.3 करोड़ बोली मतलब लोग बोलते हैं। तेलुगु की बात करें तो 8 करोड़ लोग बोलते हैं, और तमिल 7 करोड़, छठे नंबर पर गुजराती, 7वें पर उर्दू है। तो देखिए आपको वर्ल्ड के स्तर पर भी ध्यान रखना है, वर्ल्ड में सर्वाधिक बोली जाती है इंग्लिश, फिर मंडारिन बोली जाती है, फिर हिंदी, फिर स्पेनिश, फिर फ्रेंच, फिर उसके बाद अरबी, और फिर बंगाली। भारत में सबसे ज्यादा हिंदी, फिर हिंदी के बाद बंगाली बोली जाती है, बंगाली के बाद मराठी बोली जाती है, मराठी के बाद तेलुगु बोली जाती है, फिर तमिल, फिर गुजराती, फिर उर्दू। तो ये आपसे कम पूछा जा सकता है किसी भी अच्छे से अच्छे एग्जाम में, तो अच्छे से आपको
तुलनात्मक तरीके से याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि छत्रपति शिवाजी की 390वीं जयंती मनाई गई है। जो एनसीपी अध्यक्ष हैं अजीत पवार, उन्होंने ये घोषणा की है। और आपको अब शिवाजी के बारे में आपको जानना है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को। और शिवाजी ने जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी, शिवनेरी फोर्ट में हुआ था, जो पुणे में है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है शिवनेरी फोर्ट कहाँ पर है, शिवनेरी का किला कहाँ पर है? तो ये पुणे में है। क्योंकि देखिए, ये चर्चा में शिवाजी की जयंती है, तो शिवाजी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो और शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी, और राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ दुर्ग में, जहाँ इन्हें छत्रपति की उपाधि भी दी गई। इनकी माता का नाम है जीजाबाई, इनके पिताजी का नाम है शाहजी भोसले। और बात करते हैं इनके पुत्र थे, सांभाजी थे। तो आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान के कोई एग्जाम आप दे रहे हो तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई एक 11 जून 1665 को पुरंदर के किले में एक संधि हुई थी। पुरंदर की संधि, जो एक तो अपने राजस्थान के मिर्जा राजा जयसिंह थे कछुआ वंश के, और शिवाजी, इनके मध्य संधि हुई थी। इस संधि के तहत ही शिवाजी ने अपने पुत्र सांभाजी को मुगलों के अधीन सेवार्थ भेजा था। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, बात करते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है भारत में, उनमें काफी सुधार देखा गया, कुछ में नेगेटिव भी देखा गया। तो देखिए, सुधार के दौरान अपन सुधार की बात करते हैं, तो जो लाभांश रहा है, जो 2015 में 66% के आसपास हुआ करता था, अब टोटली रूप से लाभांश है, जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़े हैं 71.5%, यानी 71.5% के आसपास हो गया है। पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो, तो जैसे ONGC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, कोल इंडिया है, भारत पेट्रोलियम है, इनमें सुधार देखा गया है। उसके बाद थोड़ा नेगेटिव की बात करते हैं, तो जो नेगेटिव किन किन में रहा है, एक तो BSNL जो आप जानते हो, भारत संचार निगम लिमिटेड है, एक MTNL है, ये महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड है। इनमें मतलब क्या देखा गया है, इनमें इनकी स्थिति खराब रही है। BSNL का आपको ध्यान रखना है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो पी के पुरवार, और जो अपने MTNL के अध्यक्ष हैं MTNL के, वो भी आपको देख लेना है। तो देखिए दोस्तों, जो BSNL के जो CEO हैं, CEO अध्यक्ष नहीं, CEO वो हैं PK परवार, प्रवीण कुमार परवार, और MTNL के हैं सुनील कुमार, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एयर इंडिया की बात करते हैं,